नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। ललितपुर के नेहरू नगर में दो पक्षों में हो रही मारपीट में बीच बचाव करना एक अधिवक्ता को तब महंगा पड़ गया जब एक पक्ष के लोगों ने उसे लात घूस से जमकर पीट दिया। हद तो तब हो गई जब सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी मारपीट होती रही। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट से जुड़ा होने के कारण बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नसीर खान नाम मेरा, एडवोकेट जी। हम वकालत करते, तो हम कचहरी से लौट के आ रहे थे, तो हम अपना बैग भी लिए थे और सब्जी वगैरह लिए थे, फल फ्रूट। तो हमने देखा कि ये कोई अज्ञात व्यक्ति की मारपीट कर रहे थे, तो हमने कहा भैया इसको क्यों मार रहे हो? तो ये जो नसीम बाबू हैं और इनके काका हैं, उनके है ना, इनके चार पांच भाई, तो और चार पांच लोग और, तो उसको तो छोड़ा और मुझे पकड़ पकड़ के इतना मारा कि साले तू मेरे बहुत वकील बनता है, पटक पटक के मुझे इतना मारा है जिसके अंदर, और हमारा बैग छोड़ फेंक दिया, हमारी सब्जी फेंक दी, और हमको उठा के रेल की पटरी पे फेंक रहे थे, है ना? हाँ, जान से मारने की नीयत से। जैसे तैसे मोहल्ले वालों ने हमें बचाया, और जैसे हमारे दो बच्चे आ गए तो उनको भी इन लोगों ने मारा पीटा। हमको देख रहे हैं आप श्रीमान, ये हमारे बटन टूटे हुए हैं और हमारे सर पाथी पर चोट है, हाथ पैरों में चोट है। कोतवाली में हमने शिकायत कर दी है। क्या डॉक्टरी अभी नहीं कराई, करा रहे हैं? क्या आश्वासन मिला है? कह रहे करा रहे, कार्रवाई की, कह रहे क्या हमारे लड़कों को बिठा लिया उनने। हाँ, और कह रहे हम उनके ऊपर जिन्होंने आपको मारा उनको बिठा ला। हाँ, वो भी बैठे हैं। हाँ, राजीव कुमार चौधरी, मैं महामंत्री जिला बार एसोसिएशन ललितपुर। यही कहेंगे कि अधिवक्ता किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मना करने पे कि वकील साहब कचहरी से घर जा रहे थे, कुछ लोग बदमाश लोग किसी के साथ मारपीट कर रहे थे, अधिवक्ता ने रोका कि क्यों उनको मार रहे हो, तो अधिवक्ता के साथ उनके लड़कों के साथ मारपीट की। दोनों लड़कों को कोतवाली पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। वकील साहब का यहाँ मेडिकल परीक्षण होने के लिए जिला अस्पताल लाए हैं। मेडिकल के आधार पे हम लोग मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, इसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी हमारी जलवायु एसोसिएशन उसको डिसाइड करेगी। ललितपुर से खबर समय जगत के लिए सुनील सैनी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।